बढ़िया मिल रही है जी। ग्वालियर में फूलबाग में हमारी 180 दिन हो चुके हैं, मतलब 6 मास ऊपर का अरसा बीत गया है। हम लोग बैठे हुए हैं, कोई शासन का कोई भी मुखिया, विभाग का कोई भी अधिकारी, जवाबदेह व्यक्ति, मंत्री, कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है कोई। अभी तक इसलिए मजबूरी में हम लोगों को आज भोपाल में सबको छोड़कर यहाँ पे हम पधारे हुए हैं श्रीमान जी से मिलने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिलने भी ना सकते आप, आपको मिलने का भी समय नहीं है। आज सरकार बन गई आपकी, सरकार हम लोगों ने ही आपकी सरकार बनवाई थी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि इस समय एक बात और सामने निकल कर आई है, मध्य प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, देश के प्रधानमंत्री को भी संज्ञान में लेना चाहिए। इतनी बड़ी समस्या है, प्रोफेसर अपनी पूरी उम्र गुजार चुके हैं, 30-30, 40-40 साल से अपनी सेवाएं देने के बाद उन्हें वो सम्मान वो अधिकार नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। 4500 से ज़्यादा प्रोफेसर्स इस समय भीगती बारिश में, राजधानी भोपाल में सुपर संडे का दिन है और अपने अधिकार, मौलिक अधिकार मांगने के लिए वे अपनी हक की लड़ाई निरंतर जारी करे हुए। और सूत्र बताते हैं कि इसके पहले कई जिलों में लगातार लंबी लंबी हड़तालें, लंबे लंबे धरने प्रदर्शन ग्वालियर से लेकर कई जिलों में भी जारी है। तो बड़ी चिंता का विषय है ये। चार आदाब, आपने देखा कि विद्वान राजधानी की सड़कों पर आज उतर आए हैं, कई बड़ी बड़ी उनकी समस्याएं हैं। अतिथि विद्वान उन्हें बोला जाता है, वो भी उन्हें सम्मान बिल्कुल शासन के द्वारा आज तक नहीं मिला है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में कल नीलम पार्क 14,000 कर्मचारियों से फुल हाउस था। क्या ऐसी बात है जो मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है? तृतीय श्रेणी हो, द्वितीय हो, चतुर्थ हो, पंचम हो, हर वर्ग का कर्मचारी परेशान है। और यहाँ तो ये विद्वान प्रोफेसर जो काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड हैं, हर नीति में खरे उतरे हैं, हर नियमों के तहत हैं ये, उसके बाद भी इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। एक लंबा समय हो गया, इनकी उम्र निकल गई है, सफ़ेदी आ गई है, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। अपना सर, इसके पूर्व में कितनी बार शासन को अवगत कराया है? काफ़ी लंबे समय से शासन को अवगत कराते आ रहे हैं। इन्होंने पहले क्या हुआ, 2017 में इन्होंने अतिथि विद्वान एक लंबे समय से काम कर रहे थे, उस बीच में पीएससी आयोजित करने के बाद इन्होंने हम लोगों को फॉलन आउट कर दिया और कई सालों से पीएससी नहीं हो पाई थी, लेकिन इन्होंने बीच में ताबड़तोड़ पीएससी आयोजित की और लंबे समय से काम कर रहे थे लोग, जिनकी उम्र आज ओवर एज हो गई है, वो लोग बाहर हुए और काफ़ी लंबे समय से हम मांग करते आ रहे हैं इनसे कि बोले। और पहले भी पूर्व में इस प्रकार की नियुक्तियाँ हुई है, इधर की नियुक्तियाँ हुई है, जैसे लोगों को परमानेंट किया गया है। लगभग कितनी संख्या है अतिशेष विद्वान? 4500 करीब लोग हैं पूरे प्रदेश भर में 4500 लोग काम कर रहे हैं। तो आज जो ये हड़ताल में नीलम पार्क पर आप लोग आए हैं, इसमें तो कितने सभी महाविद्यालय के आए हैं अतिथि विद्वान आज एकत्रित हुए हैं, और जो पूर्व में फॉलन आउट हो गए वो लोग भी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है पूरा आपका? मैं डॉक्टर मनोज वर्मा। कहाँ से आप? मैं शासकीय महाविद्यालय खातेगांव से। आपने देखा कि भोपाल के सभी जिलों के कोने कोने से कितने विद्वान राजधानी भोपाल पधारे हैं। तेज बारिश हो रही है सुबेरे से, लेकिन इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो इन्हें चाहिए था वो इन्हें नहीं मिल रहा है। इसके पहले जब विपक्ष में थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकर के घोषणा की थी कि इनको इनका अधिकार दिलाकर रहेंगे, लेकिन उनके किया हुआ वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। शिक्षकों में काफ़ी रोष है प्रोफेसरों के अंदर, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या राजधानी भोपाल में, झीलों के शहर भोपाल में भीगती बारिश में आज प्रदर्शन करने को मजबूर है। मैं आसिफ खान, KKR न्यूज़ से राजधानी भोपाल। सालों से मामला चल रहा है कि उनका नियमितीकरण हो, लेकिन अब तक सरकार ने हमारे नियमितीकरण के लिए खाली पूरे वादों के अलावा अब तक कुछ भी कार्य नहीं किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री हो रही है IPS IAS कैडर जैसे जॉब्स में, जो लेटरल एंट्री कभी नहीं होती थी, जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि हम उस पर लेटरल एंट्री के जरिए अंदर कर सकते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जॉब में क्यों हम लोग कोई नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है, जबकि हम लोग नेट PhD सारे हर क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो हम लोगों ने अर्हता रखी हुई है, उसके बाद भी सरकार हम लोगों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका पूरा? आमिर खान। कहाँ से आए आप? मैं डिंडौरी महाविद्यालय से हूँ। ठीक, नमस्कार, आदाब। राजधानी भोपाल, पानी पानी, प्रधानमंत्री के मन की बात आज सुनी गई, 100वां एपिसोड सुना गया। और विगत 3-4 दिन से राजधानी भोपाल के अंदर कड़कड़ाहट बादलों की, समय में जहांगीराबाद में खड़ा हूँ और ये मंदिर
जो काली का मंदिर है, मंदिर के पास आप देखेंगे तो बड़ी हैरानी होगी आपको कि अतिशेष विद्वान, अतिथि विद्वान यहाँ पर कम से कम बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, भीगती बारिश में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश सरकार से करते हुए। ये रैली अब अभी आ रही है, अरे यार आज ही पानी भी नहीं रुक रही है। हमारा कैमरामैन कहाँ है यार, बड़ा उसको बदल लगा ले उस्ताद। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वान 4500 से ज़्यादा की तादाद, भीगती बारिश में समय दोपहर का 3 बजने को है और ये आप ये पूरी लंबी लाइन देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मौजूद, भीगती बारिश में विद्वान पूरी राजधानी भोपाल के अंदर। यहाँ भी ट्रैफिक भी यहाँ पर बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं समय भीगती बारिश में राजधानी भोपाल के अंदर अतिथि विद्वान पद यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा निकलती जा रही है। आप सभी का प्रबंधन भी बनते हैं।